फ्रेंड्स, आप चाहे बीकॉम के किसी भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, आप कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें कि गारंटी से पास हो जाए, कैसे अपनी एग्ज़ाम को बेहतर कर सकते हैं और अपने गुड मार्क्स अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो बिल्कुल भी ना करें। अक्सर बीकॉम के स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं जिससे उनके सिर्फ एवरेज मार्क्स ही आते हैं। यूजुअली बीकॉम के स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डोंट फोकस ऑन ओनली थ्योरी। कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट पढ़ते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कुछ अदर स्टडी करते हैं लाइक सीए सीएस वगैरह की प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। वो स्टूडेंट्स बीकॉम एज अ साइड डिग्री के लिए पढ़ते हैं। उनकी थिंकिंग क्या रहती है, ओनली थ्योरी पर कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। फ्रेंड्स, थ्योरी पर ऑलवेज एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, एवरेज परसेंटेज ही आते हैं, लाइक 48% या 50%। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है ओनली थ्योरी पर फोकस ना करें, न्यूमेरिकल पर भी फोकस करें। अगर हमारा न्यूमेरिकल सही है तो आपके 15 मार्क्स तो डेफिनेटली फिक्स तो मिलेंगे, जबकि वही हम थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनके एवरेज मार्क्स 7 to 8 मार्क्स ही मिलेंगे। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो आप अनसॉल्व यूज़ करें, उसमें देखें किस चैप्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उस चैप्टर्स के एग्जांपल सॉल्व करें, उन्हें 4-5 बार सॉल्व करके देखें, प्रैक्टिस करें। अगर आप एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करके आते हो तो 10 to 15 मार्क्स आप वहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ये मेरी गाइडेंस है क्योंकि हर साल 2 या 3 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल के होते ही हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स, फाइनल ईयर में होता है इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। सो कोशिश करें आपका फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर भी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। उस टाइम लिमिट में अपने पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखना भी एक बड़ी चुनौती है, खास करके फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए थोड़ा नया रहता है। कुछ स्टूडेंट्स आंसर लिखने का प्रॉपर टाइम सेट नहीं कर पाते हैं, अक्सर वो उन क्वेश्चन को पहले लिखते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, उसे लिखने में वो टाइम भी नहीं देखते हैं, लिखते जाते हैं, जिससे उनके लास्ट ही क्वेश्चन लिखने से रह जाते हैं, इससे पूरा पेपर लिखने से रह जाता है, जबकि उनको याद सब रहता है। ये सब प्रॉब्लम्स लैक ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की वजह से होती है। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन है हर आंसर को प्रॉपर टाइम दो, एक स्ट्रेटेजी बना लो, इतने टाइम में क्वेश्चन को फिनिश करना है, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर मेंटेन करना चाहिए, इससे आप पूरे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है, डोंट रीड क्वेश्चन ड्यूरिंग लर्निंग। फ्रेंड्स, ऑलवेज क्वेश्चन देखकर लर्न मत करो, टॉपिक के अकॉर्डिंग लर्न करो। क्वेश्चन देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्वेश्चन मत देखो, पर याद उस कम्प्लीट टॉपिक को करो, इससे आपको वो टॉपिक अच्छे से बन जाएगा, चाहे उससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ प्लानिंग, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लिया, बट एग्ज़ाम में आया व्हाई आर प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने तो ये क्वेश्चन लर्न ही नहीं किया। इफ़ अगर आप वहाँ यही प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस मेरिट डिसमेरिट करते हो तो इसका आंसर अच्छे से लिख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे बोलने का मतलब यही है, पढ़ो पर अच्छे से, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो, इससे रिलेटेड आपके पूरे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जो कुछ भी आए जिसे एग्ज़ाम में आप इजीली लिख पाओ। फोर्थ पॉइंट है, लैक ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस एंड नॉट लुकिंग एट द मार्क। काफ़ी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, एक्चुअल में पूछा क्या गया है और फटाफट से लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे कभी कभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नहीं लिख पाते हैं, जिससे उनके मार्क्स नहीं आते हैं जितना उनको एक्सेप्ट रहता है। ऑलवेज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें क्या पूछा गया है
और उसी का आंसर लिखो। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है, ऑलवेज मार्क्स स्कीम पर ध्यान देना चाहिए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना चाहिए। इफ 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमारा आंसर एवरेज 6 to 7 पेजेस का होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने पॉइंट्स बताई हैं इनको ध्यान में रखकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।